हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीट। आई एम श्वांगिनी। तो आज हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन के थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि है एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशन, यानी एड्सॉर्प्शन कहाँ यूज होता है। पहले दोनों पार्ट में हमने एड्सॉर्प्शन का बेसिक आइडिया और उसके टाइप्स देखे थे, अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की। तो एड्सॉर्प्शन बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे नॉर्मली जो हम घरों में पेंट करते हैं या वॉल पुट्टी करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो दीवार पे जाके एड्सॉर्ब हो रहा है। तो वैसे ही इसके और इंडस्ट्रियल यूज भी है। जैसे पहला क्या, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, जहां पे बड़ी मात्रा में वैक्यूम को हमें प्रोड्यूस करना होता है, तो वहां पे क्या करते हैं कि जो वैक्यूम मशीन होती है उसमें चारकोल के पैकेट्स होते हैं, जो कि एयर को वहां से इवैक्यूलेट कर देते हैं, यानी एयर को एड्सॉर्ब कर लेते हैं और जो वैक्यूम है वो डेंसली क्रिएट हो जाती है। तो पहला तो ये प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। सेकेंड, गैस मास्क। अब जो इंडस्ट्रियल है या जो माइंस है, वहां पे क्या होते हैं कि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्रीदिंग में दिक्कत करते हैं। जो भी वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वहां पे क्या करते हैं कि वो गैस मास्क यूज करते हैं वहां पे, जो जिसमें होता है चारकोल। तो वो चारकोल क्या करता है, जो फाइन डस्ट पार्टिकल है उसको एड्सॉर्ब कर लेता है, तो वहां पे जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा प्योरीफाई हो जाता है। फिर आता है क्योरिंग डिजीज। डिजीज क्योर करने का भी सेम तरीका है कि कुछ जैसे दवाइयां हो गई या कुछ सब्सटेंस केमिकल ऐसे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं और एड्सॉर्ब करके उसको मार देते हैं, तो ऐसे डिजीज भी क्योर हो गई। फिर आता है कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, वॉटर के पार्टिकल्स जो एयर में, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। सिलिका और एल्यूमिनियम के जेल्स आते हैं जो कि पानी को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ये नॉर्मली फोन की जो स्क्रीन होती है वहां पे भी यूज होते हैं, ताकि थोड़ा सा जैसे वाटर रेजिस्टेंट बन जाए, कोई भी फोन है या वॉच है, तो वो जेल क्या करेगा, पानी को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा और फोन के अंदर नहीं जाने देगा पानी को। फिर आता है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। किसी भी सॉल्यूशन में अगर कलरिंग कोई भी सब्सटेंस आ गया तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसमें चारकोल डाल देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। अब जहां पे भी हमने चारकोल यूज किया वहां पे हम उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में यूज करेंगे, यानी उसका फाइन पाउडर बना के यूज करेंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्ब कर सके। तो उसको जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सारा जो कलर है या कलरिंग सब्सटेंस है उसको एड्सॉर्ब कर लेगा। फिर आता है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती आपस में, लेकिन अगर वो किसी भी तरह के मिक्सचर में मिक्स हो रखी आपस में, तो उसको कैसे अलग अलग करेंगे। तो उसको अलग करने का क्या तरीका है कि इन जो सारी गैसेस होती है उनकी एक स्पेसिफिक डिग्री होती है कि इतने पे ही वो पर्टिकुलर गैस एड्सॉर्ब होगी, तो हम उस डिग्री के हिसाब से अलग अलग अमाउंट में चारकोल डालते हैं और उस गैस को वहां से सेपरेट कर लेते हैं। फिर हिट्रोजीनस कैटालिसिस, ये इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, उसमें हम बात करते हैं कि कैसे कोई भी एंजाइम या कैटालाइस्ट वो क्या करता है कि जो सब्सट्रेट है यानी रिएक्टेंट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है और वहां पे उसका प्रोडक्ट बना देता है। तो ये एड्सॉर्प्शन के कुछ बेसिक आइडियाज है। जैसे हम कई बार टीवी में एड देखते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल के मास्क है, वो क्या करते हैं, जो हमारी चेहरे पे डर्ट होता है या पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है और एड्सॉर्ब करके वहां से हट जाता है। तो एड्सॉर्प्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। तो ये उसके कुछ एप्लीकेशन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।